चाइनीज सैनिकों ने कील लगे हुए डंडों और पत्थरों से अचानक और पीछे से हमला करके हमारे 20 भारतीय सैनिकों को शहीद किया है और उसके बाद कितने इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद तो मेरा मन सिर्फ और सिर्फ यही कर रहा था कि प्रश्न पूछा जाए अपने हुक्मरानों से कि हम सही रास्ते पे हैं या कमज़ोर हैं। अगर हम सही रास्ते पे हैं तो ये रास्ता एडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला हुआ और उसके 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी हुक्मरानों की एक सही दिशा और सही सोच के साथ सही निर्देश नहीं आया भारतीय सेना के लिए, या फिर किस तरीके से रिटालिएट करना है, करना भी है नहीं करना है, इससे बहुत दुखी हूँ मैं। आप सही रास्ते पे हैं इसलिए आप नाथुला दर्रे पे हर वर्ष उनसे धक्का मुक्की करेंगे, और वो भी वो हमारे एरिया में आके धक्का मुक्की करेंगे, तो ऐसा सही रास्ता हमें नहीं चाहिए दोस्तों। अगर हम सही रास्ते पे हैं, गालवान घाटी में वो आकर बैठ जाएंगे, हमसे 4-5 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे, हमारी सीमा में आ जाएंगे, बफर जोन को क्रॉस करके आ जाएंगे और हमें ही धमकी देंगे और हमें निगोशिएट करना पड़ेगा, अगर ये सही रास्ता है तो हमें सही रास्ते पे नहीं रहना दोस्तों। अगर हिमाचल के क्षेत्रों में ये हर बार अपने विमानों को भेज देंगे और हम कुछ भी रिटालिएट नहीं करेंगे और हम ये कह देंगे कि वो आए थे चले गए, हमने उसको कड़े शब्दों में निंदा कर दी, अगर ये सही रास्ता है तो हमें सही रास्ता नहीं चाहिए। जिस तरह के हालात हैं दोस्तों, जो स्थिति है भारत की आज, पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, नेपाल नक्शे पे कब्जा करता है, नक्शा बना के हमारे 3 इलाकों को अपने इलाके में दर्शा देता है, लेकिन हम करते क्या हैं? भर्सना, कड़े शब्दों में भर्सना। लेकिन चाइना के केस में हमारे हुक्मरानों ने सिर्फ और सिर्फ इतना बयान दिया है कि हम एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये माननीय हमारे राजनाथ सिंह जी। लेकिन वो कैसे नहीं छोड़ेंगे आप बताएंगे? आप घर में आके बैठे हुए हैं हमारे, उसके बाद हमसे निगोशिएट कर रहे हैं और हम उनको ये बोल रहे हैं कि हम बातों से मना लेंगे। डिफरेंट लेवल और डिफरेंट दौर की बातचीत भी हो गई दोस्तों। उस बातचीत के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, मटेरियलिस्टिक चेंज कुछ भी नहीं आया। बीच में 2.5 किलोमीटर पीछे गए थे, लेकिन कुछ इलाकों में गए थे, लेकिन उन इलाकों में नहीं गए थे जहाँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट है। तो उस बातचीत का क्या मतलब हुआ? अगर आप सही रास्ते पे चलने के लिए बार बार सिर्फ बात करते हैं और बात का रिजल्ट नहीं निकलता तो वो सही रास्ता हमें नहीं चाहिए। अगर आप वुहान में जाकर और विदाउट एनी सब्जेक्ट, विदाउट एनी एजेंडा आप उनसे बात करते हैं, आप उस कायर शी जिनपिंग से बात करते हैं और रिजल्ट में सिफर आता है, 0 आता है, तो वैसा सही रास्ता हमें नहीं चाहिए। अगर हम उनको बुला के, उन गधों चमगादड़ों को बुला के और मल्लपुरम में ग्रैंड वेलकम देते हैं और पूरी ताकत हम लगा देते हैं उनके वेलकम में, लेकिन वो उसके बाद जाके नाथुला दर्रे पे धक्का मुक्की करवाता है और पत्थरों डंडों से हमला करवाता है, तो वैसा स्वागत, वैसा सही रास्ता हमें नहीं चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए कि हम आके उनके साथ नारियल पीते रहें और वो हमारे खून पीते रहें। नारियल का पानी पीना और खून पीना दोनों एक साथ नहीं चल सकता मेरे दोस्तों। मैं स्तब्ध हूँ इस घटना से। मुझे पता है कि सिर्फ 20 ही नहीं मरे हैं, अभी और भी गंभीर घायल हैं और उनकी भी शहादत हो सकती है, लेकिन अब हमें इस सरकार से पूछना होगा कि हम ये सही रास्ता कहीं कमजोरी तक तो नहीं ले गया। हम क्यों ना कहें कि हम कमजोरी के उस दहलीज पे खड़े हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ये बोलेंगे कि हम मजबूत हैं, हमारे साथ पूरी विश्व है, पूरी विश्व की सेना है, हमारे पास पूरा संसार का सपोर्ट है, मोरली वेपन के साथ
और लड़ाई में वो भाग लेंगे, लेकिन जब हम लड़ाई करने के लिए तैयार ही नहीं है तो उन दोस्तों का क्या काम? उस सामाजिक दबाव का, उस सामाजिक साथ का क्या मतलब जब हम उनको समय पे परख ना सकें? अगर 20 हमारे योद्धा हैं, उनकी शहादत के बाद भी अगर कोई डिसीजन नहीं निकलता है तो ऐसे पेशेंस को जूते की नोक पे रखना चाहिए। इस तरह का पेशेंस दोस्तों मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ कमजोरी है, जो सिर्फ हमारा ही खून बहता रहे, हमारे ही सीमा क्षेत्रों में आकर हमें ही धमकाया जाए और हम चुपचाप ये बोलते रहे कि हमें 56 इंच का सीना रखना रखा है हमने, तो ये 56 इंच का सीना बेहतर है कि 28 इंच का कर लो आप। अब तक सरकार का कोई बयान नहीं आया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाने की बात है। दोस्तों इतने दौर की मीटिंग्स के बाद ये बातचीत का दौर आगे बढ़ाना, ये कौन सा नया मंत्र है मुझे कोई बता दे भाई, कौन सा नया मंत्र है ये? आपने 10 दौर की बातचीत करी, CDS से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग कर ली आपने, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि बातचीत से मुद्दे को सुलझाएंगे। मैं मानता हूं कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से चाइनीज अधिकारी जिस तरीके से भारत को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, क्या आपके पास शब्दों की भी कमी हो गई है? क्या आपको आपके पास कुछ वाक्य भी नहीं मिल रहे हैं जिससे आप उनको चेता सके, आप उनको कड़ा संदेश दे सके? आप कर क्या रहे हैं? आपने अब तक क्या किया है इस दिशा में? क्या बात हुई? चलिए आप नहीं बताएंगे, उसका रिजल्ट क्या आया हो तो बता दीजिए आप। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या यही आया ना कि हमारे 20 सैनिकों की शहादत हो गई। अगर यही आपकी अच्छाई है, यही सही रास्ता है भारत का, तो ये हमें नहीं चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को वो कोई रास्ता नहीं चाहिए जिससे कि प्रूव होता हो कि हम सही रास्ते पे चलते चलते कमजोरी के उस दलदल में धस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो वैसा पेशेंस हमें नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। आज ये समय मांग करने का है, बॉयकट चाइनीज बहुत हो गया, हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसका सप्लीमेंट नहीं दे पाते हैं। आज हमें बॉयकट चाइनीज नहीं, बॉयकट चाइना करना होगा और चाइना के से हिसाब बराबर करने के लिए जो कुछ भी होना होगा, जो कुछ भी होना चाहिए, मेरे ख्याल में एक सजेशन मैं दूंगा मुफ्त में अपनी सरकार को कि अगर आप के यहाँ ये आके घुस गए हैं तो आप उन स्ट्रेटजिक लोकेशन पे क्यों नहीं घुसते जहाँ पे आप फ्रंट फेस पे हैं, जहाँ पे आप लीडिंग हैं, जहाँ पे आपकी सामरिक व्यवस्था और सामरिक जो जगह है वो अति महत्वपूर्ण और उनका कमजोर है, वहाँ पे हम हमला करेंगे और तब नेगोशिएट करें चीज़ों को। इस तरह की बुजदिली और इस तरह के उसको जस्टिफाई करने के सही रास्ता का बहाना अब नहीं चलेगा। 20 इनफ इज इनफ, अब हमें रास्ता चाहिए और वो रास्ता जो एक परमानेंट समाधान की तरफ ले जाए। मुझे पता है दोस्तों कि ये चाइना बॉर्डर के जो इश्यूज हैं उस पर बात करना नहीं चाहता, ये चाहता है कि जब भी कोई विपरीत परिस्थितियां हो उस पर तो वो बॉर्डर एस्केलेशन बढ़ा के और विश्व कम्युनिटी का ध्यान भटका सके। आज COVID-19 के पीरियड में यही वो कर रहा है और भारत से अच्छा उसको सॉफ्ट और बेहतरीन टारगेट नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने किया। मेरा मानना है, मेरा ये ओपिनियन है और मैं मानता हूँ कि इस देश के युवाओं की आवाज़ है कि हर एक सीमा क्षेत्रों पे जो भी बॉर्डर इशू हैं उनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए और ये जिस तरीके का धंधा लगा रखा है चाइनीज PLA ने, वो धंधा रुके और नहीं रुके तो उसको रोकने के लिए भारत सरकार हमारी सेनाओं को ताकत दे जिससे वो उसका उनका इलाज उनकी भाषा में कर सकें। क्योंकि आज जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग PLA में भी सिर्फ 10 लाख सैनिक हैं, जो कि वो क्लेम करता है 16 से 17 लाख। हमारे यहाँ क्लेम्ड और ऑफिशियली 14 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं।
हम क्यों डरते हैं उनसे? उनके 40%, मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके का वीकनेस, किस तरह की कमजोरी उनके सैनिकों में है। हम उनसे युद्ध जीत सकते हैं, ये बात हम कब एक्सेप्ट करेंगे? एक बार करके तो देखिए। इस देश के युवा का हर खून का कतरा कतरा देश के लिए बहेगा और देश के काम आएगा। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखता हूं कि आप अपनी आवाज इस तरीके से बुलंद करें कि हमारी बहरी और अंधी सरकारें इसको समझें और जिस तरीके का कांड गालवान घाटी में हुआ है उस पे सरकार प्रॉम्प्ट और बेफिटिंग रिप्लाई जल्दी से जल्दी दे दे। अदरवाइज इस जिस तरह का विद्रोह कभी नहीं हुआ वो होने की संभावना अब बन रही है, क्योंकि इस तरह की जलालत की जिंदगी मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, और वो भी वैसे देश में रह के जो देश अपने आप को हर एक देशों का अच्छाई करने वाला, मानवता का सबसे बड़ा ध्वजवाहक समझता हो, लेकिन वो मानवता का ध्वज हमारे कमजोरी का प्रतीक नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, यही आपसे उम्मीद है कि आप मेरे आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।